यार ये फैमिली भी देखती है मेरे ब्लॉग्स, तो गर्लफ्रेंड इज अ वेरी गुड पर्सन। मैं 2-3 बार मैं उजड़ा चमन देख चुका हूँ, क्योंकि अपन के बाल झड़ रहे हैं यहाँ से ना। फिर देख लेंगे अपना अड्डा दुगड्डा जिंदाबाद, कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद कुछ ना कुछ खुराफाती जरूर करेगा अपन। वैसे भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कर दो यार गाइस जल्दी से, अगर नहीं करा अभी तक सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना, नोटिफिकेशन नहीं जाती लोगों को। सवाल है हमारा अनिकेत भैया का, आए अनिकेत नेगी। इन्होंने पूछा है कि था सवाल जो भैया हमें इसी फोन में ढूंढना पड़ता है ना। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नाम है शुभकला, वापस आ चुके एक नए ब्लॉग के साथ। मैंने Q&A डाला था अभी कुछ टाइम पहले ऐसी मजाक मस्ती में, तो लोगों के क्वेश्चन आए थे मेरे को पुराने चैनल से रिलेटेड, तो मैंने कहा उनके जवाब दे दूं। फिर आइडिया है कि दोबारा से Q&A पोस्ट करता हूँ, कोई और अच्छे सवाल आएंगे तो उनको भी जोड़ूंगा। अच्छे सवाल तो इतने आ रखे हैं कि अभी सुनना सवालों को कैसे कैसे हैं। तो आप सबको एक मस्त सी चीज़ दिखानी है। असल में मैं Q&A रिकॉर्ड कर रहा था और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ठीक है। और मेरे पीछे दो दो इंद्रधनुष अगर दिख रहा है, तो एक ये रहा और एक इसके पीछे, ये मेरे को आधा ही दिख रहा है, आधे ही, दोनों आधे ही क्रिएट हुए हैं। हाँ दोनों आधे आधे ही बने, एक ये रहा और एक इसके पीछे टिक। तो जो भी लोग मेरे से इस चैनल में पहली बार मिल रहे हैं, जो भी मेरे को पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो में, उनको मैं बता दूं भाई, देखो मेरा नाम है शुभम काला, मैं M.Com कर रहा हूँ यही PG कॉलेज कोटद्वार से। वीडियो क्यों बना रहा हूँ ये सब आप ही के दिमाग में ख्याल होंगे, और क्यों ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, क्यों हूँ ब्लॉग बनाने का बेसिकली मेरा मोटिव ये है, और अपलोड करने का क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगी, इससे कनेक्ट कर पाऊंगा कैमरे से, उतना ही मैं आप लोगों से भी रियल में कर पाऊंगा, उतनी ही मेरी स्किल भी सुधरेगी। इसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो भी आ रही है, इसलिए मैं यूट्यूब पे हूँ, ठीक है। अब आगे के सवाल जारी रखें। अच्छा तो अब क्वेश्चनों की बारी, मेरे क्वेश्चन इसी फोन में और फोन से ही ब्लॉग करता हूँ, तो इसलिए ऐसे ही जवाब दूंगा, वरना हाथ में फोन होता है एक, हम गरीब लोग हैं ना भैया। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कलिंद किचन से, तो उनका भी यूट्यूब चैनल है तो आप जाके चेक कर सकते हो। उनको ये पता था कि मेरा एक पहले चैनल भी था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये चैनल कैसे क्रिएट हुआ। तो उनका सबसे पहला सवाल यही था कि हाउ इज शुभम काला यूट्यूब चैनल क्रिएटेड, क्योंकि उन्हें इसके पीछे की स्टोरी नहीं पता, उन्हें बस ये पता है कि हाँ कुछ तो हुआ था, ठीक है। तो भैया देखो, शुभम काला ऐसे क्रिएट हुआ, हमने वीडियो बनाई थी लॉकडाउन के समय, जो शुभम काला पहली वीडियो है, कोटद्वार टू देहरादून, वीडियो बन गई। फिर मेरे एक मेंबर ने कहा, मतलब फ्रेंड ने कहा जो उस चैनल में भी था मेरे साथ, तेरी वीडियो को कौन देखना पसंद करेगा, फैमिली को कौन देखना पसंद करेगा, इसलिए जब वापस आएगा तो हम तीनों दोस्त या चारों दोस्त जितने भी हैं मिलके घूमने जाएंगे, तब वीडियो बनाएंगे। तो अगले भाई ने मेरे को ये कहा, पर मैंने उसे कहा भी था कि इस वीडियो को क्या करूं, उसने कहा डिलीट मार दे। तो गुस्सा आता यार, अगर एक वीडियो बन गई उसके बाद तुम ऐसे डिलीट मारने के लिए बोल दो, तो इसलिए कुछ तो करना है, वीडियो बना के डिलीट नहीं मार सकता। शुभम काला क्रिएट हुआ 8 अगस्त की बात है वो शायद, हाँ, तो मैंने वीडियो पे अपलोड कर दी, चैनल भी क्रिएट कर दिया और डाल भी दी वो वीडियो, यही था। अब दूसरा सवाल की बारी, तुम्हारा पहला चैनल जो था उसका फुल फॉर्म क्या है, और उस चैनल के पीछे आइडिया क्या था, मतलब बेसिकली वो चैनल बना कैसे, क्या आइडिया था। पहला चैनल था RTN Vlogs, उसकी फुल फॉर्म है रिमेम्बर द नेम, और वो चैनल ऐसे बना कि हम गए थे घूमने के लिए, ठीक है, तो बैठे बैठे ऐसी वीडियो बना दी एक, ठीक है, उसमें जतिन और अभिषेक को भेज दिया, वो वीडियो थी करीब 4.5 मिनट की, मैंने जतिन और अभिषेक को भेज दिए, वो 2-2 मिनट की शायद, हाँ 2 मिनट की वीडियो भेज दी मैंने, पूरी वीडियो नहीं भेजी क्योंकि दिमाग में खुराफात चल रही थी मेरी, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने भी वो 2 मिनट की स्टेटस में ला ली, लोगों के मैसेज आने लग गए कि भाई ये वीडियो यूट्यूब पे होनी चाहिए, बहुत अच्छी बनाई है, ठीक है, और जाने लग गए थे कि हाँ भाई बंदे का कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं ही उसमें बोल रहा था बेसिकली। तो नाम सोच रहे थे हम पे, 3 नाम थे, UK 15 ब्लॉगर, UK 15 बेसिकली हमें कोटद्वार से रिप्रेजेंट करता है, इसलिए रख रहे थे हम। तो ये था कि शॉप में दोस्त बैठा था उस समय, उसने एकदम से नाम दिया हमें कि RTN रख, तो RTN के बाद हमने ब्लॉग्स लगा दिया क्योंकि ब्लॉग्स का ट्रेंड था, और अब तो कोटद्वार की हर गली में एक नया ब्लॉगर जन्म आया गाइस। हाँ तो तीसरा सवाल ये है कि भैया आपके फेवरेट ब्लॉगर या यूट्यूबर कौन है, उसने 3 पूछे हैं, फ्लाइंग बीस्ट हो गए, ठीक है, आप सब जानते ही होंगे,
एक मोहित चिकार हो गए टीम हर्ष बेनीवाल से, एक मंकू बंकू भैया हो गए पीएल में रहते हैं, और क्या बोलते हैं इनकी स्टोरी टेलिंग मेरे को बहुत मतलब मजेदार लगी। और चौथा क्वेश्चन था हमारे अश्विन भाई का, अश्विन भाई ने पूछा है कि भाई कौन सी क्रीम यूज करते हो, गोरे लग रहे हो। ठीक है, तो भाई क्रीम व्रीम तो नहीं यूज करता, ठीक है, फुंसियाँ इसलिए बढ़ रही है, क्रीम यूज करता तो शायद कम होती, और गोरा इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि फिल्टर का कमाल है भैया, फिल्टर हर जगह है। वो जो जिस वीडियो में आपने कमेंट करा था वो वीडियो भी फिल्टर वाली थी, इंस्टाग्राम वाली। ठीक है, एक सवाल है अपने शिवम भाई का, पहले प्यार कब हुआ था स्कूल लाइफ में? तो भैया वो देखो, पहले प्यार का मतलब तो सबको पता ही है कि जिसको तुम पाना चाहते हो। ठीक है, हमारा पहला प्यार स्टार्ट हुआ था शायद हमसे LKG UKG में। ठीक है, तो प्यार वही मतलब जिसको हम पाना चाहते हैं, बिग बबूल था शायद, बिग बबूल कुछ ऐसी था, उसके साथ हमें वो मिलते थे ट्रम्प कार्ड्स WWE रेसलर्स के, तो वो था हमारा पहला प्यार। और हम तीन चार दोस्त थे, मैं, ईशांक, आशीष, शुभम और गोलू थे। उस समय हम TCG में ही थे, तो उसकी कैंटीन में मिल जाते थे, और चूरण भी थे, हाँ 1 रुपए का 2 मिलते थे, वो चूरण मैं भूल गया, वो चूरण भी थे उनके लिए भैया, 1-1, 2-2 रुपए घर से मिलते थे और वहाँ लुटा देते थे हम, इतना प्यार था हम उससे। अगला क्वेश्चन है हमारी बहन का, श्वेता काला का, कि मेरे बिना तेरा यूट्यूब चैनल कैसे चल रहा है? बहुत ही ज्यादा गजब चल रहा है, जब तक तू चैनल में आती थी तब तक 400 भी मुश्किल से हुए थे, घिस पिट के हो ही गए थे। ठीक है, और जब से तू देर दून है ना, तू मानेगी नहीं 700 सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुके हैं हम लोग। ठीक है, 700 लोग है अपने पीछे, ऐसे अभी तो नहीं है पर मतलब समझ गए ना यार। हाँ, तो देखो भैया सीन कुछ ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने अपना नाम लेने के लिए मना किया है, इंस्टा ID डालने के लिए मना किया है। तो भैया क्वेश्चन ऐसा था कि सब्सक्राइबर मीटअप कब करोगे, भैया अगर भगवान ने चाहा आप लोगों ने साथ दिया, अगर कुछ बड़े मुकाम में पहुंच गए, अभी तो फिलहाल छोटे मोटे क्रिएटर हैं, छोटे मोटे वीडियोस बनाते हैं, चल रहा है काम। हाँ, तो अगला सवाल ये था कि भाई तूने एक इंस्टा पे वीडियो बनाई थी 156 सब्सक्राइबर पे, तो सिर्फ वाली पुल पे नाच रहा था। तो हाँ मैं नाच रहा था, मैं विकास और विपुल थे शायद उस वीडियो में, हाँ हम डांस कर रहे थे क्योंकि 156 उस समय मतलब सोचा नहीं था 156 लोग सब्सक्राइब करेंगे, सीरियसली बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। तब उसने बोला भाई 500 में क्यों नहीं किया, भाई 500 में यार कहाँ से करूँ मैं, 500 में लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं घर पे था जिस समय 500 सब्सक्राइबर हुए, और अब 700 पर 1000 होने के बाद कुछ ना कुछ खराबी जरूर करेगा अपन, वैसे भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कर दो यार गाइस जल्दी से, अगर नहीं करा अभी तक सब्सक्राइब कर दो, और हाँ बेल आइकन भी दबा देना, नोटिफिकेशन नहीं जाती लोगों को, इसलिए मतलब व्यूज कम आ रहे हैं शायद, 750 सब्सक्राइबर है करीब, 1000 करवा दो तब देख लेना क्या खुराफाती करता है अपन। और अगला सवाल ये था कि भाई तेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, पार्टी कब देगा और कहाँ देगा, और 500 सब्सक्राइबर में तो तू गायब हो गया था। तो भैया फिर से वही चीज, 500 में तो अपन घर के अंदर था, लॉकडाउन लगा हुआ था जब 500 हुए, अपन को खुद नहीं पता था, दोस्त का फोन आया कि भाई तेरे 500 सब्सक्राइबर हुए, खुश तो बहुत हुआ था उस दिन भी, पर क्या कर सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे। ठीक है, और 1000 सब्सक्राइबर में पार्टी जहाँ आप बोलो भैया, खैरा पंजाबी ढाबा आप इतने दिनों से बोल रहे थे, या वहीं चलेंगे या फिर देख लेंगे अपना अड्डा दुगड्डा जिंदाबाद। ठीक है, तो एक सवाल ये था कि तेरा व्लॉगिंग सेटअप क्या है, मैंने वीडियो बनाई है उसकी, आई बटन में यहाँ पे आ रहा होगा, वो देख लो गाइस, मेरे को नाम तो एग्जैक्ट याद नहीं, क्या फिलअप लेम्स था क्या था, मैं नाम बोल रहा हूँ, वो देख लो जाके। और कोई पूछ रहा था ना कि सेटअप क्या यूज करता है, तो भैया ये देख लो, ये मोबाइल है जिसे मैं यूज करता हूँ, और यही मोबाइल है जिससे व्लॉग बनता है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है ये, मतलब समझ गए, यही है मेरा व्लॉगिंग सेटअप फिलहाल। तो बाकी हेलमेट पे क्या अमाउंट किया है वो उस वीडियो में देख लेना, सेटअप जुगाड़ कर करके बनाया हुआ, यही चल रहा है फिलहाल। तो एक क्वेश्चन ये था कि विच माइक डू यू यूज ब्रदर, भाई बोया का BY-MM1 है, हाँ इसका नाम। एक क्वेश्चन था OTA इज लव का कि इतनी खत्म क्यों हो रखी है कि भैया जिंदगी आपकी, घर से कब निकलोगे बाहर? तो ये अपने राहुल भैया हैं, उन्होंने मेरे को कितनी बार बोल दिया कि चल घूमने चलते हैं शाम को, मॉर्निंग में वॉक करने चलते हैं, पर अपन नहीं जा रहा क्योंकि कोविड के रिस्ट्रिक्शन की वजह से अपन घर पे ही लॉक है, सिर्फ 2 बार घर से निकला हूँ वैक्सीन लगाने और 1 दिन पापा को लेने के लिए, बस इतने जब से लॉकडाउन लगा है, तो इसलिए कहीं जा नहीं पाता, तो कहाँ भैया अब क्या करें,
एक सवाल था, योर फेवरेट मूवी। वैसे तो बहुत है, पर अभी रिसेंट में 2-3 बार मैं उजड़ा चमन देख चुका हूँ, क्योंकि अपन के बाल झड़ रहे हैं यहाँ से ना, और मम्मी को चिढ़ाना है मुझे, तो इसलिए। तो भैया एक सवाल था हमारे अनिकेत भैया का, आई एम अनिकेत नेगी का, उनका सवाल था कि व्हाट इज गर्लफ्रेंड, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। गर्लफ्रेंड मींस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पर्सन, गर्ल एंड फ्रेंड, व्हेन दे बोथ मीट ईच अदर दे मेक गर्लफ्रेंड। तो एग्जांपल भी दे दिया भैया इसी में आप क्या। ठीक है, फिर आशा करता हूँ आपको ये क्यू एन ए की वीडियो पसंद आई होगी। अगर क्यों आने की वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाए, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ यार, सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। वॉच टाइम तो कोई नहीं, मेरे को इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि टाइम पास ही है, पर खुशी होती है जब बढ़ता है या सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या वॉच टाइम बढ़ता है। तो कर देना, देख लेना, अगर कोई वीडियो पसंद आई होगी तो उसी के लिए लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के ऑल कर देना, बस ये 3 चीज़ कर देना, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। शेयर वेयर तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई और क्वेश्चंस पूछेंगे इससे रिलेटेड तो वो अब अगली दफ़ा करेंगे क्यों एनी की वीडियो। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।